हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल एलिमेंट्स। फ्रेंड्स, मैं इस समय बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पैकेज वन चैनल 24+411 पे खड़ा हूँ। यहाँ पे इंटरचेंज 2 बन रहा है और यहाँ पे रैम प्लाजा की 4 बिल्डिंग बनेगी और 4 टोल बूथ भी बनेगा। जेसीबी के पीछे में आप लोगों को जो एक्सप्रेशन दिख रहा है, ये रैम प्लाजा टोल बूथ के लिए एक्सप्रेशन का काम शुरू हुआ है। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आप लोगों को टोल बूथ रैम प्लाजा के पास जो टोल बूथ होता है, जिसमें से बैठ करके लोग टोल की पर्चियां काटते हैं, उसका डिटेल में बताऊंगा। कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन रखें। ये वाइट मार्किंग आप लोगों को दिख रहा है सामने में, इसके अंदर 2 कॉलम खड़ा होंगे, टोल बूथ बनेगा इसके अंदर में। टोटल 4 कॉलम खड़ा करना है। यहाँ पे फुटिंग का साइज है 2 मीटर 800 बाई 2 मीटर 800 का और इसका जो डेप्थ है 400 mm का और इसमें जो 800 बाई 800 का 2 कॉलम खड़ा होंगे। यहाँ इंसुलेटेड फुटिंग है, दोनों कॉलम जो है अलग अलग रहेंगे, फुटिंग भी दोनों अलग अलग रहेगी। तो आइए सामने दिखा रहा हूँ। इसमें यहाँ भी देखिए, इसमें भी 2 फुटिंग और 2 कॉलम खड़ा होंगे। इसका भी साइज़ जो है 2 मीटर 800 बाई 2 मीटर 800 का है। फुटिंग का जो डेप्थ है 400 mm का और कॉलम का साइज़ है 800 बाई 800 mm का। आइए देखते हैं ड्राइंग में। यहाँ देखें, इस ड्राइंग में फुटिंग डिटेल दिया हुआ है, 2800 बाई 2800 mm का फुटिंग का साइज़ है और 800 बाई 800 का कॉलम है, इसके ऊपर खड़ा करना है। PCC मार्किंग दिया हुआ है ड्राइंग में और जो फुटिंग का जालिया स्टील का जो रेनफोर्समेंट है, 12 mm स्टील यूज होगा, 150 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है। यहाँ पे चारों कॉलम के डिटेल है, फाउंडेशन प्लान फुटिंग या F1 फुटिंग को मार किया है और P1 जो है पीलर खड़ा होगा RCC में। आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और पूरा एजुकेशन का जो भी प्रोसीजर मेथड है, फुटिंग की रेनफोर्समेंट, जाली कैसे बांध रहे हैं, कौन सा स्टील यूज हो रहा है उसमें और कॉलम में कौन सा स्टील यूज हुआ है, उसमें कंक्रीट का ग्रेड कौन सा यूज हो रहा है, पूरी डिटेल में बताऊंगा। सेटिंग कैसे लगा रहा है। ओके।